मैं आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डेरी आमढाना में विजिट करने आया था। इसमें जो भी कमी है मैं आपको पूरा रिपोर्ट बता पाऊंगा। ये हाथ पैर दर्द हो रहा है, कमर ज़्यादा दर्द है, हल्का सा पसीना छूट रहा है और ऊपर आ जाता है। तो क्या क्या इलाज में क्या दिया? ये तो गोली दिया है ना। और डॉक्टर साहब है? नहीं है यहाँ आज तो। नहीं है, मैडम है। और क्या क्या समस्या होता है आपको? तो अस्पताल से क्या क्या फायदा होता है? बस अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, गोली ले जा रहा हूँ आज तो, खा के देखता हूँ। प्राइवेट इलाज भी करते हो क्या? हाँ प्राइवेट तो करते हैं, लेकिन अभी देखते हैं पहले यहाँ का गोली ले जाके। प्राइवेट क्यों जा करते हो? क्या करेंगे, आराम नहीं मिलता तो वहाँ जाना पड़ता फिर। ऐसा है, एम्बुलेंस मिलता है क्या आपको? नहीं, दवा खत्म हो गया बोल रहे हैं। ऐसा तो क्या हुआ, नहीं लगा तो क्या परेशानी हुआ? आने जाने में परेशानी है ना, चलना नहीं होता ना माता से। ऐसा पैर दर्द करता। मेरा नाम है श्रीमती मनीता मावासे। कौन से पद पे हो? मैं आशा कार्यकर्ता काम करती हूँ डेयरी आमढाना सेक्टर। अच्छा, आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के लिए सर्जरी होता है क्या? नहीं, यहाँ पे कुछ साधन नहीं है। एक्सरे मशीन है क्या? नहीं। तब क्या करती हो? एक्सरे के लिए भी घोड़ा डोंगरी जाना पड़ता, वहाँ नहीं हुआ तो फिर बैतूल लेके जाना पड़ता। अल्ट्रासाउंड मशीन है क्या? नहीं। और आपके अस्पताल में एम्बुलेंस है? नहीं। तो अभी कभी कोई कोई घर पे डिलीवरी हो जाते, गाड़ी का रास्ता देखते देखते बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे स्टाफ नर्स नहीं रहती, कभी कभी रात पे कोई केस होती तो परेशान हो जाती है फिर डिलीवरी के लिए। डॉक्टर साहब का कौन कौन सा दिन आना होता है? डॉक्टर साहब तो हफ्ता में एक आध दिन आते, नहीं तो कभी कभी आते भी नहीं। क्या क्या समस्या होता है? यहाँ तो सुविधा है ही नहीं है, यहाँ नर्स नहीं रहती है, गांव से लेके आते दाते नम्मा को वो करते हैं। हाँ, उसके साथ आपको खाना मिलता है क्या? खाना नहीं मिलते, घर से लेके आना पड़ता है। घर से जी भूखे ही रहना पड़ता है, कभी कभी तो भूखे भी रहना पड़ती है। परेशानी तो होती है सर, लेके जाते टाइम पर गाड़ी नहीं मिलते, टाइम पर पहुंचाते नहीं, उनके साथ में जाते हैं। एम्बुलेंस आपको घर तक पहुंचाते क्या? नहीं पहुंचाते, बस गाड़ी नहीं मिलती तो फिर अपन को अपने किराए से गाड़ी करना पड़ती है और ले जाना पड़ती। तब सरकार से क्या मांग सर रखते हो कि एम्बुलेंस यहाँ होना चाहिए? होना चाहिए। अगर एम्बुलेंस आपका अस्पताल में हो जाएगा तो क्या फायदा होगा? बहुत सारे फायदा होगी, सुविधा भी बहुत हो जाएगी। ये थोड़ा सा मैसेज चले जाए कि गर्भवती महिलाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ा डोंगरी पे मंगलवार और शुक्रवार के दिन टीका लगता है, ठीक है ना? तो ऐसी असुविधा नहीं आ पाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डेयरी आमढाना में 20 गांव के 16,441 लोग निर्भर रहते हैं, लेकिन इसमें सुविधा का अभाव दिखने को मिल रहा है। मैं मोहनलाल, मध्य प्रदेश से इंडिया नेट के लिए।